दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 11 दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए करीबन 22,933 नए मामले और राजधानी में 24 घंटे में कोरोना से हुई करीबन 350 लोगों की मौत। दिल्ली में 3 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ये तीनों अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी इस तरीके के आंकड़े हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं प्रेरित कुमार। प्रेरित लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। प्रेरित, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपने कल बताया कि कई हॉस्पिटल में, सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी, अभी जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या अभी भी सिचुएशन खासतौर पर ऑक्सीजन को लेकर, बढ़ते आंकड़ों को लेकर और ज़्यादा चिंतापूर्वक और ज़्यादा क्राइसिस वाली हो गई है दिल्ली में? जी बिल्कुल सुमित, ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी लगातार राजधानी दिल्ली में चल रही है। सिर्फ ऑक्सीजन की ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में बेड की भी कमी चल रही है और साथ ही साथ जो है वो आईसीयू बेड की भी कमी चल रही है। लेकिन जो आपने जो सुमित बात बताई कि 10 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित के आंकड़े बढ़ क्रॉस कर चुके हैं, ये वाकई में 10 लाख से ज़्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर